बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज सॉरी, एक बार फिर आ जाए। हमारा जो आज टॉपिक है वो सीरीज़ कनेक्शन ऑफ बैटरी है, ठीक है। ये एक बैटरी चार्जर रखा हुआ है, ये हमने 24 वोल्ट पे इसको कनेक्ट किया हुआ, ये ऑन किया हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये इसकी जो लाइट है ये 12 वोल्ट है और 24 वोल्ट है, तो हमने 24 वोल्ट पर हमें सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। ये न्यूट्रल लाइन है जिसके अंदर से आ रही है, जो बराबर में 230 रखा हुआ है, ये इसको सप्लाई कर रहे हैं। चार्जर को भी सप्लाई चाहिए ना, उसके लिए 230। ये हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ये देख सकते हैं, देखें आप, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये इस चार्जर में से आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये दो बैटरी हैं 12-12 वोल्ट की, तो इनको, इनका एक पॉजिटिव एक बैटरी का और दूसरी बैटरी का नेगेटिव, हम इन दोनों को जंप कर देंगे, यानी कनेक्ट कर देंगे आपस में। तो 24 वोल्ट बेसिकली सीरीज में कर रहे हैं इसलिए बढ़ जाएंगे। और ये दूसरी बैटरी का पॉजिटिव है, पहले हम नेगेटिव लगा चुके हैं बैटरी चार्जर का, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। ये जा रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें 24 वोल्ट पे कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं आप, ये 24 वोल्ट पर है, ये देखें 24 वोल्ट, तो यहाँ पर आके 24 वोल्ट पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं कि भाई कितने बने। अच्छा, पहले हम जंप वाले पे चेक करेंगे वोल्टेजेस, यानी कि जो जंपर लगा हुआ है इस पर क्या वोल्टेजेस दे रहा है, और फिर हम जो नेगेटिव हमने बैटरी का कनेक्टर का लगाया है, यानी कि जो चार्जर से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लगाया उस पर चेक करेंगे। ये इस पर हम चेक नहीं करेंगे, मगर चेक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वोल्टेजेस कुछ सही नहीं दे रहे, देखें बिल्कुल 0.5 कुछ ऐसे अजीब से दे रहा है, ठीक है। अब हम उस पर चेक करके दिखाएंगे आपको, ये जो नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है और पॉजिटिव लगाई, देखें मैं यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगाया, यहाँ पर मैंने नेगेटिव पे कनेक्ट किया, एक मिनट में लगा लूँ, ये देखें इस पर नेगेटिव लगा लिया और इस पर पॉजिटिव। जब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया तो अब देखें 34 वोल्टेजेस दे रहा है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन है इसलिए 34 वोल्टेजेस दे रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, पॉजिटिव जो हमने बैटरी चार्जर से लगाया पॉजिटिव उस वाले टर्मिनल पर, और जो ये जो सामने आपको नेगेटिव टर्मिनल लगा रहा है इस पर जब लगाएंगे तो वोल्टेजेस देगा, क्योंकि अभी बैटरी 24 वोल्ट पे ही हम चार्ज कर रहे हैं, मगर बैटरी बहुत वीक है इसलिए 34 वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह।